नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। एज यू नो आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज काय चिकित्सा एंड क्रियाशारी सब्जेक्ट। टुडेज ड्रग रिव्यू इज रिगार्डिंग द मेडिसिन विच इज कॉल्ड एज वासाकृत। ये दवा का नाम है और इसके बारे में, उसके घटक द्रव्य और उसके एक्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, श्री गिर गोरस वासाकृत भैषज रत्नावली का संदर्भ यहाँ आप देख रहे हैं। यह आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कि जिसमें दवे के बारे में, बहुत दवा के बारे में चर्चा की जाती है। इसमें एक लड़की के नाक में से कुछ नोज ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको एपिस्टैक्सिस नाम से जाने जाते हैं कि नासागत रक्तपित्त। तो रक्तपित्त एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के नाम से आयुर्वेद में रक्तपित्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब रक्तपित्त की बीमारियां ये वासाकृत के इस्तेमाल से बिल्कुल कम हो सकती है। उसमें ज्यादातर प्रमुख द्रव्य है वासा, ये संस्कृत नाम है, उसका मराठी नाम है अडुलसा, और उसमें घी के द्वारा ये सिद्ध किया गया है। तो अडुलसा जो है उसको वाडा टोडा वासिका, आडा टोडा वासिका ये लैटिन नाम है उसका, इससे सिद्ध किया गया घृत जो है उसको वासा घृत कहा जाता है। अन्य जो वासा के कल्प होते हैं, अडुलसा के कल्प होते हैं, उसमें भी जैसे वासा का महत्व है, उसके ही गुणधर्म, वासा के गुणधर्म यहाँ पर भी मौजूद है। एक वासा जो है वो कफनाशक है और वात का स्पैजम करने वाली दवा है, इसलिए खांसी की ये मुख्य दवा मानी जाती है। मार्केट में वासा सिरप भी मिल जाता है, वासा व लेह भी मिल जाता है और वासा घृत भी मिल जाता है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जिनके शरीर में ज्यादातर डेबिलिटी की शिकायत है, ऑटो इम्यून डिसीजेस है, बहुत सारे क्रॉनिक इलनेसेस हैं और पूरी ताकत कम हो गई है, और उनको कुछ रसायन देना है जिसमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी है और क्रॉनिक बीमारियां हैं, उसमें हम वासाकृत जरूर सजेस्ट करेंगे। टेम्पररी कुछ खांसी आ रही है, एक दो दिन की खांसी और कम करनी है, तो वासा सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर जिसके कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी लेवल कम है, उनको कुछ महीने तक देना है, एक 7-8 दिन या 15 महीने तक देना है, तो वासा वाले चाटन के स्वरूप हम दे सकते हैं। फिर क्रॉनिक बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो एचआईवी हो, इन सब बीमारियों में जहां भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेफड़े की शिकायत आ गई है, उनके लिए वासा घृत जैसी दवा नहीं है, वो लगातार 6 महीने 1 साल तक आपको लेने से ही फायदा होगा। तो वासा सिरप, वासा वाले है और वासा घृत में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ घृत एक बहुत बढ़िया परम औषध जिसको आयुर्वेद ने कहा है, ये पित्त और वात के लिए, डिजनरेटिव चेंजेस के लिए, ऑटोइम्यून डिसीजेस के लिए घी जैसा द्रव्य, आहार्य द्रव्य उपलब्ध नहीं है। ये वात प्रधान कफ अर्थात जिन खांसी में सूखी खांसी आती है, ऐसी दमछाक हो जाती है, पूरा सांस तकलीफ फेफड़े में हो जाती है, दर्द होता है, उनके लिए वासाघृत क्रॉनिक कंडीशंस में ज्यादा अच्छा रहेगा। घृत भी इस कार्य में सहायता करता है, क्योंकि घृत एज ए सेल्फ स्वतः स्वतंत्र रूप से वात शामक एक उत्कृष्ट दवा है, वात का एक परम औषध है, ऐसा आप जान सकते हैं, क्योंकि उसमें जो स्निग्धता है वो वात का रुक्ष गुण को हटाती है। रुक्ष गुण से क्या हो जाता है, हमेशा ध्यान में रखिए, स्पैजम आ जाता है, तो वो ब्रोंकोस्पैजम करने के कम करने के लिए ये सिद्ध घृत का उपयोग, वासा घृत का उपयोग जरूर आप कर सकते हैं। वासा का एक दूसरा बहुमूल फायदा ऐसा है कि ये रक्त शोधक, मतलब क्लींजिंग ऑफ द ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, और साथ ही साथ रक्त स्तंभक ऐसी ये दवा है। जिन लोगों में ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम की शिकायत है, उन लोगों ने वासा घृत दीर्घकाल लेने से फायदा होगा, जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं इन लोगों में, थैलेसेमिया जैसी शिकायत है, और भी ऐसी कुछ बीमारियां हैं कि जिनमें ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम की शिकायत है। तो उन लोगों में कभी कभी ऊपरी मार्ग से, कभी कभी निचली मार्ग से, या कभी कभी तिर्यक मार्ग के द्वारा रक्त पित्त मतलब ब्लीडिंग डिस्क्रेसियाल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, रक्त स्त्राव होने लगता है, कभी थूक में से रक्त आता है, कभी नाक में से आता है, कभी एसोफेगस के द्वारा आ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि सिरोसिस एक शिकायत है जिसमें एसोफजियल वायरसेस होते हैं, उनमें भी ये उल्टी की मतलब खून, उल्टी के द्वारा खून निकलता है, हाँ हिमेटेमेसिस बोलते हैं,
हिमोप्टिसिस बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, इंग्लिश शब्द है, एलोपैथी के शब्द है। फिर उसमें खून निकलने की, थूक में से खून, उल्टी के द्वारा खून, नासिका द्वारा खून, त्वचा के द्वारा खून, उसको तिर्यक रक्त पित्त बोलते हैं, जिसमें मॉडर्न में पेटेची नाम की शिकायत है, इक्कीमोसिस नाम की शिकायत है ना, परप्यूरा नाम की शिकायत है। तो ये जो ब्लीडिंग स्पॉट्स हमारे स्किन पर आ जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी कैपिलरीज जो है, रक्तवाहिनी जो है, वो दुर्बल बन गई है, फ्रजाइल हो गई है, और उनके द्वारा वो ब्रेक होने जाने के बाद ये ब्लीडिंग हो जाता है। तो वासा से कशायरस होने के कारण, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने के कारण ये कम हो जाता है। कैसे, मैं पैथोफिजियोलॉजी आपको समझा रहा हूँ, आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। निचले हिस्से से देखिए कि मूत्र द्वारा कभी कभार ये खून निकलता है, तो उसको हम हिमेचूरिया कहते हैं, ज्यादातर स्टोन्स उसके कारण होते हैं। कभी बवासीर, अर्श, पाइल्स के द्वारा भी खून निकलता है। तो यह सब में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वासाग्रुत जरूर काम करेगा। फिर वासाग्रुत का ज्यादा काम फेफड़े के ऊपर ज्यादा, ये ध्यान में रखिए, रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वास मार्ग के ऊपर वासाग्रुत का तुलनात्मक दृष्टि से अन्य अवयवों के बिना, मतलब ज्यादातर अपर मार्ग, ऊर्ध्व रक्त पित्त जो है उसमें ज्यादातर ये काम करेगा। फिलहाल एक सिद्धांत मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद ने रक्त पित्त जो है, ब्लीडिंग डिस्क्रियासिया जो है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है, उसके लिए एक सिद्धांत दिया है। उसको पंचकर्म कैसा करना चाहिए, प्रति मार्गम च हरणम, भूलिए मत, लिख कर रखिए, प्रति मार्गम च हरणम, मतलब ऊपरी मार्ग से ब्लीडिंग चल रहा है तो आपको विरेचन चिकित्सा करनी पड़ेगी, उसको लैक्सेटिव देना पड़ेगा। निचली मार्ग से कुछ शिकायत चाहे वो पॉलिसिस्टिक हो, ओवेरियन डिसीज हो, या चाहे मेनोरहेजिया की शिकायत हो, तो उनको ओबेसिटी है, तो ऊर्ध्व मार्ग मतलब वमन देने से उनको फायदा मिल सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब समझकर थोड़ा बहुत आपको पंचकर्म का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वासाग्रत रक्त पित्त में एक उत्कृष्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ भी देता है, और रसायन कार्य करके जो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल्स है उनको भी ताकत देने का काम, उनकी जो ट्यूनिका जो कवरिंग्स रहते हैं ट्यूनिका नाम के, उनको वो उधर मसल मस्कुलर लेयर भी होता है, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनका मसल का टोन बढ़ाने का काम वासा का कशायरस करता है, ये ध्यान में रखिए। हाँ, बहुत सारा चीजें हैं ना, कई कबार स्टूडेंट्स को काम आती है, कई डॉक्टर्स लोगों को भी काम आती है, और मॉडर्न वाले डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर देशपांडे की जो एक्सप्लेनेशन रहती है वो पूरे अलग रहती है, पूरे यूट्यूब के इसमें स्पेशलिटी है। ये साइंटिफिक तरीके से और आसान तरीके से सब बताते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस तो आप जानते हैं, उसमें भी खांसी और हिमोप्टिसिस, थूक में से रक्त निकलना सिखाता है, कैविटी हो जाती है लंग्स में, एक्सरे द्वारा हम देख सकते हैं, तो उसमें भी आपको जरूर वासाग्रत, चाहे वो आप AKT एंटीकॉक ट्रीटमेंट जो है मॉडर्न की, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटाल, रिफैम्पिसिन, पाइरेजिनामाइड, जो भी है ले लो, फिर मेरे प्यारे दोस्तों उसके साथ वासाग्रत आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, च्यवनप्राश जरूर इस्तेमाल कीजिए। अन्य वासाकल्प की तरह वासाग्रत का उपयोग भी इस अवस्था में किया जा सकता है। अभी एक ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत है, ब्रोंकियल अस्थमा में भी ब्रोंकोस्पैज्म है और सूखी खांसी निकलती है, तो उसमें भी आप वासाग्रुत से कम हो जाएगा। एक अच्छा रेसिपी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है वो, वासाग्रुत थोड़ा हॉट वाटर बाथ में, मतलब कुछ विसल में पानी लेकर उसमें ये वासाग्रुत की बाट जो बॉटल है वो रखनी है, और जो पतला करना है, और उसके बाद ये जो घृत है पतला हो जाने के बाद, वो एक एक चम्मच हर 10 घंटे के, क्या मिनट्स के बाद, 10 मिनट के बाद उसको थोड़ा सा ये घी देना है मुंह में से, हाँ पेट में देना है, धीरे धीरे के करके बोलते हैं मुहुर मुहु, हाँ मतलब बार बार वो फ्रिक्वेंटली वो देना होगा। इससे क्या हो जाएगा, उसको राहत मिल जाएगी, खांसी कम हो जाएगी, और वो स्पैजम भी चला जाएगा। और रोगी को मैं ऐसा नहीं बोलता कि उससे ब्रोंकियल अस्थमा पूरा क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा कि साइंटिफिक तरीके से उसकी जो एक्यूट एगोनी है, जो टेंशन है, वो परेशानी जो है, लाक्षणिक रूप से उसको बिल्कुल राहत मिल सकती है। उसके साथ साथ बाद में अभी बहुत रसायन द्रव्य तो आपको मालूम है वो सब देंगे, वमन भी देंगे, वासंतिक वमन ये सब करेंगे आप। वासाग्रत ज्यादातर 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, दूध या गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको मिलती रहेगी, कभी कभार एक दो दफा भूल जा सकता हूँ, फिलहाल हमेशा वो उधर रखी है, आप क्लिक करके वो घर बैठे बैठे दवा मंगवा सकते हैं। फिलहाल हमेशा की तरह, जो जो लोग नए आते हैं उनके लिए माहिती बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे के साथ, आयुर्वेद एकेडमी के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। देशपांडे का तो फेस आप हमेशा देखते हैं, फिर उनके पीछे जो है ना, वो बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स बहुत मौजूद है, और हम पूरी एकाग्रता के साथ अपने अपने पेशेंट्स, अपने अपने सेंटर्स चला रहे हैं। फिलहाल
फिलहाल उसमें हम ये जो YouTube हमारे फैंस है, सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए भी सेवा पेड कंसल्टेशन जरूर देते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। डिस्क्लेमर नाते से मैं हमेशा बताता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके देशपांडे सर की ताकत बढ़ाते रहिए, और आपका प्रेम, आपकी सहायता ही मेरा टॉनिक है, ये ध्यान में रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।